के हमारे साथ यहाँ पैनल पे भी मौजूद हैं मेहमान। सबसे पहले तो यशवर्धन झा आजाद हैं जो पूर्व स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं आईबी के, और इसके अलावा आभा सिंह वकील सुप्रीम कोर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ यशवर्धन झा आजाद, पहले कि आपने ये पूरा डिटेल सुना है इस मामले के ऊपर, आपकी अपनी भी कोई राय होगी कि किस तरह से इसमें अब समीर वानखेड़े का नाम आ रहा है। बात यह है कि पैसे लेने की बात थी और इसलिए गिरफ्तार किया गया आर्यन खान को, तो जब भी इस तरह के इनपुट्स आते हैं, जाहिर है कि कुछ इनपुट्स थे इंटेलिजेंस के, इसलिए कॉर्डिलिया क्रूज पर छापा मारा गया, तो थोड़ा ये डिटेल्स अगर हम समझ सकें कि इस तरह के इनपुट्स कैसे आते हैं, इन पर किस तरह का काम होता है, जैसे इस मामले में हुआ होगा, और कई बार ये भी होता होगा जो इनपुट्स हैं वो सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इनके खिलाफ, समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सीबीआई ने केस दर्ज किया है। मैं समझता हूं कि लोग को इन संस्थाओं में विश्वास जगाने के लिए ये ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि जो विवेचक अपने पद का दुरुपयोग करें उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जाए, नहीं तो प्रजातांत्रिक प्रणाली में इन संस्थाओं का कोई मतलब नहीं है। जहां तक आपने इस ऑपरेशन के बारे में पूछा था, जितने भी बड़े ऑपरेशन होते हैं, ये तो कोई ऑपरेशन था ही नहीं, जितने भी बड़े ऑपरेशन होते हैं, आपने देखा होगा कि कल कोचीन के पास एनसीबी और नेवी ने एक जबरदस्त ड्रग का जखीरा पकड़ा है मदरबोर्ड से, तो वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पे होते हैं, और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बराबर जो संस्थाएं हैं उनको कार्यरत रहना पड़ता है, और एनसीबी इस विषय में कई और संस्थाओं से भी जुड़ी रहती है जिन्हें उन्हें इंटेलिजेंस मिल चुके, छोटी छोटी जो केसेस के बारे में जो जानकारी मिलती है वो स्टेट एनसीबी नारकोटिक ब्यूरो ही करता है, और अगर बड़े बड़े केसेस जैसे आते हैं तो वो एनसीबी करता है। लेकिन जहां तक समीर वानखेड़े जी का सवाल था, वो बड़बोले थे, व्यवसायिक रूप से दक्ष नहीं थे, और छोटे छोटे 2 ग्राम 3 ग्राम वाले केसों में अत्यधिक रुचि दिखाते थे, जिसके लिए एनसीबी को नहीं बनाया गया था। तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी विवेचना, और जो आपने एक बहुत ही सही प्रश्न पूछा था कि मान लीजिए इंटेलिजेंस मिले और उसके बाद भी वो कार्रवाई में परिणत नहीं हो सके इसलिए कि उसमें पूरे मजबूत साक्ष्य नहीं मिले हैं, जैसे कि इस प्रकरण में हुआ था, तो बड़े ही धैर्यता के साथ और बड़े ही गंभीरता के साथ उस केस को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सारे ऑपरेशंस जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते, वो फेल भी कर सकते हैं। और इस प्रकरण में सबसे बुरी बात ये हुई है नकबा जी कि ये जो प्रकरण था इसमें इन्होंने ये कहा, चूंकि कोई साक्ष्य नहीं मिले था, कुछ आर्यन के पास नहीं मिला था, तो उन्होंने एक बहुत बड़े इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात की थी और उस आधार पर रिमांड किया था, और इसलिए जब 5 दिन में और 3 दिन में कुछ भी नहीं मिला, उनकी सारी चीज को खंगाल लिया गया, तो उनको कोर्ट के सामने स्पष्ट ये कह देना चाहिए था कि जी हाँ, मुझे नहीं मिला है, और इनको बाकायदा इज्जत परी कर देना चाहिए, जो उन्होंने जी किया। जी, इसलिए समझता हूँ बहुत ही बुरी विवेचना थी। जी बिल्कुल, बहुत ही बुरी विवेचना थी। आपने बताया कि किस तरह, अगर जाहिर है कि इनपुट्स आते हैं लेकिन इनपुट्स जो हैं वो इतने सक्षम नहीं है कि उस पर कार्रवाई हो, तो उसको छोड़ने में भी एक समझदारी है जो इस केस में, पर इस केस में ये लगता है यशवर्धन झा आजाद के जो इनपुट आया उसको इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल करने की भी नीयत थी, या इस मामले में किस तरह से मिसयूज हुआ है ये इनपुट। ये तो अब जैसा कि आभास हो रहा है कि तो पूर्व सुनियोजित पूरी एक एक तरह की संरचना की गई थी पहले से, फंसाने की एक 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 तरह की एक स्पेशल एफर्ट सब तरफ से किया गया था, और जिस तरह के लोग इसमें सबूत देने वाले थे, जिस तरह के लोग इसमें सहयोग दे रहे थे, जिस तरह के लोग गिरफ्तारी में सामने आ रहे थे, इससे ये स्पष्ट है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, और इसलिए मुझे खुशी है कि ये सीबीआई को ये प्रकरण दिया गया है। जी, आभा सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट वकील आभा सिंह।
आबा जी से ये समझना चाहती हूँ कि नारकोटिक्स मामले में क्या आधार होना चाहिए गिरफ्तार होने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि जैसे इसमें आप ड्रग्स मिलने की बात थी, कितना ग्राम ड्रग मिला, कौन, अब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, उनके पास ड्रग मिला भी नहीं था, लेकिन बावजूद इसके गिरफ्तार किया गया। हालांकि सीबीआई बाद में आप हमने देखा कि नारकोटिक्स ब्यूरो ने ही आर्यन खान पर लगे सारे आरोप हटाए थे, और उसके बाद तो सीबीआई ने पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पे वसूली का केस दर्ज किया, लेकिन उस समय जब गिरफ्तारी की गई थी ड्रग के आरोप में। तो आबा हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन यशवर्धन जहां आजाद, अगर आप इस बात पर कुछ जानकारी देना चाहें कि जो ये नारकोटिक्स के कानून है इनका भी गलत इस्तेमाल होता है, नारकोटिक्स मामले में क्या आधार होने चाहिए गिरफ्तार करने के लिए, क्या ये जो सख्त कानून है उसकी वजह से एक तरह से ये गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आबा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, चूंकि कानून का मामला है तो मैं पहले आबा जी के पास जाना चाहूंगी कि ये जो कानून है नारकोटिक्स के लिए, आबा सिंह, उसमें गिरफ्तारी के आधार क्या होने चाहिए, और कई बार चूंकि सख्त कानून है हम देख रहे हैं जैसे इस मामले में कि गलत इस्तेमाल भी हुआ उसका। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात है कि उनके ऊपर ड्रग्स मिलने चाहिए थे। अगर हम आर्यन खान का ही मैटर देखें, एनडीपीएस एक्ट का भी जो है बड़ा कड़क कानून है, इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो स्पेसिफिक केस में अगर देखते हैं तो ना उनके पास ड्रग्स थे और मेडिकल भी नहीं कराया गया। अगर आपने मेडिकल कराया होता और उसमें उन्होंने ड्रग्स का कंजम्पशन किया होता, दो ही आधार हो सकते हैं ना अरेस्ट करने के, या तो आपने, आपके पास ड्रग्स मिली हो या आपने ड्रग्स का कंजम्पशन किया हो, तो ये कह देना कि आपका कल्पेबल मेंटल स्टेट था, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है किस तरह से कानून का दुरुपयोग। तो दो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी वजह से हाईकोर्ट ने जब बेल भी दी तो उसने कहा प्राइमा फेसी कोई एविडेंस नहीं है, कोई केस नहीं बनता। नंबर वन, आपके पास ड्रग्स नहीं है, दूसरा आपने कंज्यूम नहीं की हुई है, इन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी, आपको सबूत पुख्ता बनाने पड़ेंगे। जब इतना कड़क कानून है जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है, मिनिमम 10 years ऑफ इंप्रिजनमेंट का प्रावधान है, तो आपने बिना प्रॉपर, और अगर आपको व्हाट्सएप चैट्स को भी एविडेंशियरी वैल्यू बनाना था तो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 वेरी क्लियरली कहता है कि आपको एक 65B का इंडियन एविडेंस एक्ट का आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इन्होंने व्हाट्सएप चैट्स को लेके आधार बना के एनसीबी ने इनको, इनके ऊपर केस बनाया, और उसमें जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट था 65 वो भी नहीं दिया, तो वो भी इनके खिलाफ गया। तो इस तरह से अगर ये कड़क कानून है तो इसका आपको प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, और इसीलिए शायद इन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं की, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं था और ये एक झूठा केस बना रहे थे, और इस वजह से इनको क्लीन चिट एनसीबी नहीं, अगर बाद के अफसर ने, एनसीबी ने इनको क्लीन चिट दी है तो ये साफ दिखाता है कि समीर वानखेड़े के चाल चलन ठीक नहीं थे। और ये भी फैक्ट है 50 लाख रुपए लेके तो उनकी जो असिस्टेंट थी वो पहुंची थी, तो करप्शन का केस साफ साफ बनता है, और सीबीआई भी कोई इस तरह से केस नहीं करती है। अगर उसको रेड कर रहा है समीर वानखेड़े के यहाँ या किसी के यहाँ भी रेड कर रहा है, तो वो पहले FIR लिखती है, उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, और वो जब एक कंप्लेन आती है, कंप्लेन आई, आप FIR लिखेंगे, फिर आप मैजिस्ट्रेट के पास से सर्च वारंट लेंगे, इसके बाद ही सीबीआई रेड करती है। पर जो गिरफ्तारी हुई थी आर्यन खान की, इसमें वही हमें आपने जैसे बताया कि सख्त कानून है और इसलिए इसमें जब गिरफ्तारी होती है तो जो सबूत दिए जाते हैं, गिरफ्तारी के जो आधार होते हैं वो भी पूरी तरह से पुख्ता होने चाहिए, पर इस केस में यहाँ पे काफी लूपहोल्स था आबा सिंह, जैसा आप बता रही हैं। जी बिल्कुल, पूरे लूप होल से, मैं तो कहूंगी टोटल आउट एंड आउट झूठा केस बनाया एनसीबी ने। क्यों बनाया ये भी एक सवाल उठता है, क्योंकि आर्यन के पास ना ड्रग्स मिले ना, और जो क्वांटिटी भी मिली आप देखिए 13 ग्राम 5 ग्राम, मतलब कोई वो कमर्शियल यूज के लिए क्वांटिटी नहीं थी। तो अगर आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं तो भी एनडीपीएस एक्ट कहता है कि अगर बच्चे हैं, कोई फर्स्ट टाइम यूजर है, तो उनको आप रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजिए, ना कि आप उनको इस तरह से अरेस्ट कीजिए। तो ना ये कब, और इनको ड्रग पेडलर बना देना, इंटरनेशनल सिंडिकेट बिना सबूत के बना देना, साफ दिखाता है कि ये आउट एंड आउट झूठा केस था। आउट एंड आउट झूठा केस था, बावजूद इसके आर्यन खान को ये तमाम जो आरोप लगे थे और जो सबूत थे वो भी पुख्ता नहीं थे, इसके बावजूद जेल में समय काटना पड़ा। और अब ये बात सामने आई है कि समीर वानखेड़े और उनके कुछ साथी जो इसमें मिले हुए थे उनके ऊपर ये वसूली का पूरा मामला है, जो वसूली का मामला दर्ज किया गया है। धन्यवाद आपका यशवर्धन जहाजाद और आबा सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए।